टू माई चैनल ब्यूटी टिप्स। माई नेम इज़ गुलशन खान। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, वो है ये चारकोल फेस मास्क क्रीम है। ये प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है या नहीं, इसके लिए आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो में आपको इस फेस मास्क का डेमो भी करके दिखाऊंगी। तो ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये यश हर्बल चारकोल मास्क क्रीम है। ये चारकोल मास्क इस तरह की पैकेजिंग में आता है। यहाँ पर इसकी सारी डिटेल मेंशन की होती है। यहाँ पर लिखा है एंटी ब्लैकहेड्स, ब्राइटन स्किन, ऑयल फ्री स्किन। ये बैम्बो चारकोल मास्क क्रीम है। ये चारकोल मास्क आपके स्किन के ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है और आपकी स्किन को ऑयल फ्री रखता है। ये चारकोल मास्क आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करता है। इसके जस्ट बैक साइड पर इसकी MRP मेंशन की होती है। इसकी MRP है 190 रुपीज़, पर ये मैंने लोकल मार्केट से बाय की थी तो मुझे 100 रुपीज़ में इजीली मिल गया था। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 130 ग्राम। अगर आप अच्छा सा चारकोल फेस मास्क ढूंढ रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा चारकोल पील ऑफ मास्क है। यहाँ पर मेंशन है इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को फेस वॉश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको इस चारकोल मास्क को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट का वेट करना है, ये इजीली ड्राई हो जाता है। उसके बाद आपको इस चारकोल मास्क को बहुत ही केयरफुली रिमूव करना है, और रिमूव हो जाने के बाद ठंडे पानी की हेल्प से आप अपने फेस को वॉश कर लें। चलिए इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करके बताती हूँ। इसको लगाते ही फेस पर ठंडा ठंडा सा फील होता है, और इस फेस मास्क की फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। इस मास्क को आप अपने आई एरिया से दूर ही अप्लाई करें, क्योंकि आई एरिया बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली इसे अप्लाई करना है। और हाँ, आप इसे अब जब भी अप्लाई करें तो इसे अप्लाई करते टाइम आप बिल्कुल भी बात नहीं करें, क्योंकि जैसे जैसे ये फेस मास्क ड्राई होता जाता है आपके फेस को इससे टाइटनिंग मिलती है, और अगर आप बात करते हैं ना तो आपकी स्किन में रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है।
करने के बाद मैंने अपने फेस को वॉश करके अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है। ये यूज़ करने के बाद मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी लग रही है। ये चारकोल मास्क आपके स्किन के वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स ही नहीं बल्कि आपके स्किन के छोटे छोटे हेयर को भी रिमूव कर देता है। पर अगर आपकी ज़्यादा ही सेंसिटिव स्किन है तो आप ओनली इसको नोज़ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नोज़ पर ही हमें ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और ये चारकोल मास्क ऑल स्किन टाइप है और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इस चारकोल मास्क को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।